거라. 앞에가 뭐가? 나무가 그린가? 아니. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। ये जानवरों का कमरा जो है वो रेडी कर दिया हुआ हमने, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये आगे हमने बाजरा लगा दिया हुआ है, बाजरा काट के और उसके ऊपर जो सिट्टे होते हैं वो उतार लिए थे, और नीचे वाला जो हिस्सा था वो हम ले आए और इधर लगा दिया और कवर हो गया। अभी वो एक जगह से ठंड आती है, उधर भी हमने कोई कपड़ा वगैरह लगाना है। गाय और भैंस अंदर उस साइड पे होती हैं, और ये कट्टी और बच्ची जो है वो हम अंदर बांध देते हैं कमरे में, और साथ ही बकरी भी हमने अंदर बांधी हुई है। तो खैर अभी चारा नहीं खा रहे, इनको बाहर बांधेंगे हम। खा लो चारा, खाओ रखे थे ना भाई। बाल जो के बाहर चले गए, छत के बाहर अगर बाल चले जाए तो वो बंद आउट हो जाएगा। अभी मैं आउट हो चुका हूँ। अभी आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, हल्की हल्की बारिश भी आना शुरू हो गई है। तो हमने कल शाम को ही जो मुंजी है वो थैलों में बार के अंदर कर दी हुई है। मुंजी को हम लेके जा रहे हैं सेलर पे, क्योंकि मुंजी अच्छी तरह सूख चुकी है। तो अम्मी जान ने कहा कि आप जल्दी से ले जाएँ और चावल ले के आए वहाँ से बनवा के, क्योंकि कल भी मौसम ख़राब दिखाया हुआ है, लेकिन कल तेज़ बारिश है, आज मौसम ठीक है, इसलिए आज ही हम ले के जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। थैले हमने मोटरसाइकिल पे रख ले हैं, क्योंकि साथ वाले गांव में जाना, हमारे गांव में सेलर नहीं है, इसलिए हमने मोटरसाइकिल पे रख के ले के जाने हैं। तो अभी चार थैले हैं, तीन मैंने रख ले हैं, वापसी पर मैं हसनैन भाई को भी साथ ले कर जाऊँगा, इसलिए एक थैला पीछे रह गया। तो चलिए चलते हैं। बारिश भी शुरू हो गई है, जैसे लोकेशन के मुताबिक तो बारिश नहीं आनी थी, लेकिन अभी आ चुकी है, कोई मसला नहीं है। इतनी सी बारिश नुकसान में नहीं होती है, हल्की हल्की है बिल्कुल। अभी हम जा रहे हैं साथ, अभी ये जनरेटर है बड़ा, और जब ये चले तो आप समझ ही जाएंगे इतनी इसकी आवाज़ कितनी होगी। और ये साथ मशीन है, इधर से चावल निकलते हैं और इधर से अंदर डालते हैं इसके अंदर, और इससे चावल बन के निकलेंगे इधर से। इधर से जो मुंजी की फक होती है वो इधर से कमरे में जा रही है। आगे उन्होंने पर्दा लगा दिया ताकि बाहर धूल मिट्टी ना आए, अंदर ही रहे, जो भी धूल मिट्टी होगी वो अंदर ही रहे, फक भी अंदर ही रहे। अच्छा, इसकी एक जाली टूट गई हुई थी, अभी चेंज कर रहे हैं जाली। ऐसे का बुगा तुम का खनिंगा
ओहो ये देखें माशाल्लाह, अभी इनको साफ करके हम संभाल के रख देंगे। असल में पहले ना मसला बन गया हुआ था मशीन का, वो उसकी जो जाली होती है वो टूट गई हुई थी, तो मूंजी जो ऐसे ही आ जाती थी चावल नहीं बना रही थी, इसलिए वो जाली लेके आए और जाली डाली और फिर हमारा नंबर आया और जल्दी से हमने छुड़वा लिए चावल, अभी घर ले आए हैं। तो अभी इनको सेफ करके रख देंगे हम, सफाई करके इनकी। हल्की हल्की हवा चल रही है तो बारिश का मूड बन रहा है अभी आने का। दोपहर को छोटी छोटी बारिश होना शुरू हो गई थी लेकिन अभी ख़त्म हो गई है। अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये ताईजान का घर है साथ, तो ये गला है बीच में से, इधर से हवा आती है, तो इसलिए हम इसका भी हल करने लगे हैं। ये चादर लगा देंगे इधर ताकि हवा ना आए। क्यों तो फकर भाई? हाँ बिल्कुल ठीक है यार, यहाँ से हवा बहुत तेज आती है, हवा सुराख से वैसे ही तेज जाती है। ठीक हो गया पूरा आगे नहीं? हाँ ठीक है, बस एक साइड। जबरदस्त हो गया। पीछे जैन भाई का घर, और अभी मैं इधर आया हूँ, हसन भाई कहीं मिलते हैं तो गपशप लगाते हैं उनसे। मैं और हसन, रात का टाइम है, मैं और हसन भाई और अबू बकर, अबू बकर ही नाम है ना आपका? हाँ जी। हाँ तो आग जलाई हुई है, ठंड बहुत ज़्यादा, और बैठ के आग का मज़ा ले रहे हैं। क्यों हसन भाई? जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप तो मसरूफ हैं फ़ोन में। नहीं यार ठंड लग गई है। इंशाल्लाह ठीक हो गया। तो खैर आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।